पहले तो ठीक था जी, लेकिन अभी कुछ अरसे से इसके पास पैसे बहुत आने लगे हैं जी, और घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आती हैं। मेरी शादी की वजह से आप जेल की सलाखों के पीछे भाग गए। मैं नुसरत और जुबैर को छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो छोड़ दो, मुझे मेरी बच्ची मिल गई, मेरे लिए इतना ही काफी है बस। डेड बॉडी जो है वो अंजुम की कार में थी, और वो कार एक महीना पहले चोरी, और उसी कार की चोरी की रपट हम जहांगीर के थाने में ही दर्ज करवाए। हाँ, और जहांगीर के लिए ये काम बड़ा मामूली सा है, लेकिन हाँ एक महीना पहले की तारीख होनी चाहिए। हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस अब सोचना ये है कि आमिर को किस तरह फंसाना है। सर पहले तो ये देखना है कि साहब अली बचता कैसे। क्या दिमाग पर आया था? हाँ फिक्र ना करें अम्मी, वो लोग अब रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाएंगे। मगर काशिफ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, वो तो तुम्हारी खाला ने। बस करें अम्मी, अब छोड़ें इस बात को। कैसे छोड़ दूं? अरे अब तक तो सारी दुनिया को पता चल गया होगा, क्या अपना क्या पराया सब थू थू करेंगे। आप उन लोगों की परवाह करना छोड़ दें, चची किरण और शाइस्ता ये किसी से कोई बात नहीं करेंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं, अरे मैं तो शाइस्ता की बात कर रही हूं। दो दिन और दो रातें उस गैर मर्द के साथ रहकर आई है। आप फिर पटरी बदल रही हैं अम्मी। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो बेटा। अरे आंखों देखी मक्खी कौन निकलता मैं है? निकलूंगा ये मक्खी, क्योंकि मैं शाइस्ता को जानता हूं और मुझे शाइस्ता की पाक दामनी पे पूरा यकीन है। लेकिन पास करें अम्मी, खुदा के खौफ से डरे, शाइस्ता ने आपको माफ कर दिया, और प्लीज आप भी उन्हें माफ कर दें। हमारी जुल्फ में बहुत हंसी है। वेलकम वेलकम मेरे दोस्त, क्या हाल है? तेरी कमी थी। ये कौन है? ये मेरा जिगर है आमिर। क्या बात है, आज तेरा मूड कुछ खराब लग रहा है। तूने वकील भी करवा लिया? फिक्र मत कर, वो तेरा केस भी लड़ेगा, चाहे तो फीस भी मत देना। खंगला नहीं हूं मैं, उस जैसे 10 वकील कर सकता हूँ। ओ कम ऑन, तुम लोगों ने क्या बातें शुरू कर दी? शट अप निशा, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। अंजुम तुमने मुझे शट अप कहा? तोशा मैंने कहा ना जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। हाउ डेयर यू? आई सेड जस्ट शट अप, इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून कर दूं यहां से चली जाओ। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? दफा हो जा यहां से, इसका अंजाम तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। आई सेड गेट लॉस्ट। दोस्तों पर हाथ उठाने की बुरी आदत है तुझमें। क्या बकवास कर रहा था तू? हाँ अंजुम, तू क्या गेम खेल रहा है मेरे साथ? गेम? कौन सा गेम? देख तू मेरा दोस्त है और तू मुझसे दुश्मनी करने की कोशिश कर रहा है। दिमाग खराब हो गया तेरा, बहकाया तुझे किसी ने मेरे खिलाफ? उस लड़की की मौत के बाद बहुत कुछ बदल गया है, तू खिलाफ हो रहा है मेरे, और अगर तू नहीं तो तेरे वालिद मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बात सुन, डैड को खामखा बीच में मत ला, तेरा और मेरा मामला है, समझ गया? हाँ, अब जब सारी डोरियां ही वो हिला रहे हैं तो इल्जाम भी उन्हीं पर आएगा ना। तू खामखा परेशान हो रहा है, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। खामखा पापा के लिए अपना दिल बुरा करना यार। हम सबके लिए अच्छा यही होगा कि मुझे कुछ ना हो।
अपने पापा से बात कर ले जाके। पार्टी हाई कमान का कहना है कि आपके बेटे का नाम ये केस में आ गया। सब पार्टी की साख खराब होती है। देखिए मेरी बात तो सुनिए फारूक भाई, ये सब झूठ है, बकवास है, इल्जाम है मेरे बेटे पे। फोन अटेंड नहीं कर रहा, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, ये लोग फोन अटेंड क्यों नहीं करते? सर वो कहीं बिजी होंगे ना। कल नॉमिनेशन फॉर्म की आखिरी तारीख, मुझे उससे वक्त लेना था। आ गया आ गया, फोन आ गया। हेलो, अरे कहाँ है फारूक भाई आप, मैं तो फोन कर करके थक गया। सॉरी पीरजादा साहब, वो सेक्रेटरी साहब के साथ जरा मीटिंग में था इसलिए फोन अटेंड नहीं कर सका। जी जी, खासी जिम्मेदारी है आप पे। पीरजादा साहब बताएं फोन क्यों किया था आपने? वो कल का वक्त लेना था आपसे, तो मैं यही पूछना चाह रहा था, कोई टाइम बता दीजिए मुझे। वो जी, पार्टी ने अपना फैसला तब्दील कर लिया। पार्टी ने फैसला तब्दील कर लिया, क्या मतलब? मीरजादा साहब, वो पार्टी हाई कमान का कहना है कि आपके बेटे का नाम ये केस में आ गया। ओ सर जी, केस तो हम लोगों पे भी बनते रहते हैं। लेकिन आपके बेटे का केस तो मर्डर और रैप का है जनाब। सब पार्टी की साख खराब होती है। देखिए मेरी बात तो सुनिए फारूक भाई, ये सब झूठ है, बकवास है, इल्जाम है मेरे बेटे पे। मेरा बेटा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही। दादा साहब आप सही कह रहे होंगे, लेकिन हम क्या करें जी, ये न्यूज चैनल वाले, ये टीवी वाले खबरों को इतना सनसनीखेज बना देते हैं कि लोग जो हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं जनाब। आप यकीन करें मेरी बात, ये सब झूठ गलत है। पीर दादा साहब, आप सेक्रेटरी साहब को फोन कर लें या उनसे जाके मिल लीजिए, वो हमें जो कहेंगे हमें क्या एतराज हो सकता है जनाब। सत बिस्मिल्ला। इसी बात का डर था मुझे। क्या हुआ? क्या सर, क्या कह रहे हैं वो? मेरे बेटा इस केस में मुलविस हो गया, रेप और मर्डर के केस में। इस वजह से नजर से बच नहीं सकता। That's all your honor. आप कुछ पूछना चाहती हैं? Yes, your honor. वाजिद साहब, कॉलेज की छुट्टी के वक्त सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स बाहर आते हैं। सबके यूनिफॉर्म एक से होते हैं और दूर से सारी एक जैसी ही दिख रही होती है। आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि जिस लड़की को आपने टैक्सी में साहब अली के साथ जाते हुए देखा वो उसकी बेटी ही थी? वो बीबी रोजाना घर जाने से पहले मेरे ठेले पे आकर शरबत पिया करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी जी वो।
तो इसका मतलब ये है कि वो रोजाना अपने बाप के साथ गाड़ी में बैठकर जाया करती थी। जी हाँ बिल्कुल, रोज जाती थी। सही। अच्छा वाजिद साहब ये बताइए कि साहब अली जो टैक्सी चलाया करता था उसका नंबर क्या था? नहीं जी वो मुझे याद नहीं है। अच्छा वाजिद साहब छोड़िए, हो सकता है कि आपकी नज़र गाड़ी के नंबर प्लेट की तरफ ना गई हो, वैसे भी अमूमन लोगों को नंबर याद कहाँ रहते हैं गाड़ियों के, लेकिन आपको कलर तो याद होगा। जी हाँ बिल्कुल, काले रंग की डाटसन थी वो। ओके बहुत शुक्रिया, नो मोर क्वेश्चन। जनाबे वाला, मेरा अगला गवाह रजब अली, टैक्सी का मालिक। रजब अली हाजिर हो। रजब अली कब से चलाता है ये टैक्सी? तकरीबन 3 महीने से। तो लाइसेंस तो होगा इसके पास? जी मेरे पास उसकी फोटोकॉपी है जो मैंने आपको दे दी थी। जनाब आला, मुल्ज़िम के लाइसेंस की फोटोकॉपी मैंने इश्कार के पास जमा करा दी है। दैट्स ऑल मियर ऑनर। मिस शेख आपको कुछ पूछना है? यस योर ऑनर। रजब अली साहब आपके पास कुल मिलाकर कितनी गाड़ियां हैं? 6 है जी। अच्छा अच्छा, तो उसमें से ब्लैक कलर की डाटसन कितनी है? मैंने शुरू से पीली हुंडई टैक्सी रखी है जी, पुरानी काली टैक्सी में नुकसान बहुत है। थैंक यू वेरी मच, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, नो मोर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। अदालत बर्खास्त की जाती। इट्स इनफ, अब निकल जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगी। क्या? मैं नहीं जाऊंगी। चलो निकल यहां से, चलो। पल का मेरे सब माना, पल का मेरे सब माना। तो मैं कह रही थी कि सब कुछ पीरजादा के इशारों पर हो रहा है, और वैसे भी हशमत तो वो तो वैसे भी झूठे गवाह पेश करने के मामले में बहुत मशहूर है। इस तरह तो हमें नुकसान होगा। नहीं किरण, झूठे गवाहों को केस की बारीकियों के बारे में नहीं पता होता, उन्हें सिर्फ वही बात याद रहती है जो उन्हें रटाई जाती है। बिल्कुल ठीक है आपने, जैसे कि वो टैक्सी के रंग वाला सवाल। बिल्कुल, और वैसे भी इंसाफ की कुर्सी पर बैठा जज इन सारी बारीकियों से वाकिफ होता है। तो अब आगे क्या होगा? सफाई के गवाहान के बयानात, दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू दिस केस। लेकिन हमारे हक में कौन गवाही देगा? देखिए काशिफ साहब, हमें प्रायर टू टाइम मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम दलाइल और सबूत की रोशनी में ही इस केस को डील करेंगे। वैसे अगर जहांगीर को अपने हक में किसी तरह किया जा सके ना, तो ये केस के लिए बहुत अच्छा होगा। आप तो जानती हैं मैडम के जहांगीर कितना खबीस आदमी है। देखें एक बात तो क्लियर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तहत जिस टाइम पर फरा का कत्ल हुआ है उस वक्त साहेब अली जहांगीर के घर पर था। हाँ मगर ये तब साबित होगा जब जहांगीर इस बात को मानेगा। लेकिन वो इस बात को क्यों मानेगा? आप बिल्कुल मायूस मत हो किरण, साहेब अली की बेगुनाही को साबित करने के लिए बस हमें जहांगीर को कन्विंस करना है कि वो सच बोलते हैं, और इसके अलावा भी हम मोबाइल के तमाम डेटा रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करेंगे। अरे कैसी बात करते हैं आप, अब एक बार हुक्म तो कीजिए। देखिए हम तो अपनी जान पर खेलने को तैयार हैं आपके लिए। जी जी अच्छा मैं फिर बात करूं। ओके खुदा हाफिज़। तुम ऑफिस से जल्दी आ गए, मैं तो मिलने तुमसे वहां गई थी तुम्हारे ऑफिस। तुम मेरे ऑफिस क्यों गई थी? मेरे अकाउंट में पैसे खत्म हो गए। तो मैं क्या करूं? पैसे देखकर खर्च किया करो, तुम तो पैसा उड़ाती हो, दरख्तों पे पैसे नहीं लगे होते। रियली आई थॉट के दरख्तों पे लगे होते। अपने अकाउंटेंट को कॉल करो कि फौरन मुझे 10 लाख भिजवा दो। बिना
मुझे लगता है कि तुम्हारे कान खराब है। निसार, इससे पहले कि मेरा दिमाग भी खराब हो जाए, प्लीज पैसे मंगवा के मुझे दे दो, मुझे सख्त जरूरत है। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ बीना। अच्छा, तो किसी किराए के कातिल को बोलो ना तुम्हारी जान मुझसे छुड़ा दे, बल्कि ऐसा करो कि अंजुम को बोलो, अब तो वो भी ये काम बड़ी आसानी से कर लेता और बड़े अच्छे से कर लेता। लेकिन उसको ये ज़रूर कहना कि मेरी लाश लेके गाड़ी में ना घूम। इना, तुम ज़्यादा देर तक मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकोगी। ठीक है निसार, तुम्हारी आदत है गलतियाँ करने की, तुम गलतियाँ करते रहोगे, मुझे मौका देते रहोगे, मुझे मौका मिलता रहेगा तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल करती रहूँगी। हाँ, आज रात को तुम्हारी मोटर बोट पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूँ, और खबरदार इर्द गिर्द भी अगर तुम मुझे नजर आए। तुम फिर आ गई यहाँ? निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। जब तक आप हमारी मदद नहीं करते, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। आपका सिर्फ एक सच मेरे बाप को, मेरे बेगुनाह बाप को बचा सकता है। कोई वास्ता नहीं है मेरा तुम लोगों से। बाबा कहते थे कि आप बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान है। देखो, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर यही है कि अब तुम चली जाओ और आईना मत आना। आपको रहम नहीं आता? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो बस। खामोश। यहां कोई किसी पे रहम नहीं करता, ये रहम दर्ज, ये सब झूठ बकवास है। बहरहाल, मुझे तुमसे, तुम्हारी बहन से और तुम्हारे बाप से हमदर्दी है, लेकिन मैं मुझे हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है मुझे जरूरत हमदर्दी की। आपकी एक गवाही चाहिए, सिर्फ एक गवाही, जिससे मेरा बेगुनाह बाप बच जाएगा, उसकी जिंदगी बच जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी माता ने उसे इस गंदे इंसान से छुड़वा ले प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ खुदा के। बस, बहुत हो गई, इट्स इनफ, अब निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। क्या? मैं नहीं जाऊंगी। चलो निकल यहाँ से, चलो। जहांगीर खान, याद रखना, तुमने मेरे बेगुनाह बाप को फंसाया है, मेरी छोटी बहू जैसी बहन, उसकी इज्जत का सौदा किया है तुमने, भेज दिया उन्हें पीरजादा को। तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें अल्लाह ताला। खून के आंसू रोगे तुम मेरी बदुआ है, तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगे, कभी नहीं जीने देंगे चैन से। चलो गलो यहां से, दफा हो, चलो दफा हो, निकलो निकलो। तुम्हें क्या लगता है इस रकम से हमारे बस सारे जख्म भूल जाएंगे हम? तुमने और तुम्हारे आकर हमें दिए। अपने भाई को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। करो, तुम्हें करना भी चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग खराब मत करो।